हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि। तो दोस्तों कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो नंदा गोरा योजना के संबंध में है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने नंदा गोरा योजना के तहत 51,000 की धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं करी है और आपने आवेदन नहीं किया है तो आप ज़रूर इसके लिए फिलअप करें, क्योंकि इसकी डेट अब बढ़ा दी गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और ये पत्रांक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें जानकारी दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेवा में निर्देशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड देहरादून, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून, दिनांक नवंबर 2022, वित्तीय विषय है वित्तीय वर्ष 2022-23 में नंदा गोरा योजना के आवेदन की तिथि विस्तारित किए जाने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी आप देख सकते हैं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी इसमें देने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों इसकी जो डेट विस्तारित करी है, पहले इसकी डेट 30/11/2022 यानी कल तक थी, आने वाला जो कल आएगा, अब इसकी डेट बढ़ा के 31/12/2022 तक कर दी गई है, यानी 2022 का एंड तक कर दिया गया है। यदि आपने अभी तक ऑनलाइन नहीं करा है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपको कन्फ्यूजन है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं, मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके पास कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स नंबर फर्स्ट होगा आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नवीनतम टाइप में होगी आपकी जो फ़ोटो वो आपको लेनी है, दो तीन फोटो आपको ले जानी है। और उसके साथ साथ आपको आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, सेकंड डॉक्यूमेंट है। तीसरा आपका डॉक्यूमेंट होगा कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही चौथा डॉक्यूमेंट होगा BPL कार्ड धारकों के लिए ये योजना संचालित की गई है। साथ ही परिवार रजिस्टर में आपका नाम होना चाहिए, परिवार रजिस्टर की छाया प्रति होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पांचवा डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास हाई स्कूल जो अंक पत्र है और साथ ही उसका प्रमाण पत्र है, वो दोनों की आपके पास क्या होनी चाहिए? छाया प्रति होनी चाहिए। छाया प्रति किसकी? हाई स्कूल आप समझ लीजिए, मैं शॉर्ट में लिखा है हाई स्कूल की छाया प्रति आपके पास होना चाहिए। अंक पत्र और सर्टिफिकेट अब एक ही साथ में आ रहा है तो आप उसका छाया प्रति ले जाएं। और साथ ही आपके पास विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा निर्गत नामांकन संख्या, विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा नामांकन संख्या तो दी गई होंगी, नामांकन संख्या या फिर रोल नंबर, दोनों में से एक भी यदि आप फिल कर लेते हैं, फिल नहीं करना है, फिल करके उसका आपके पास छाया प्रति होनी चाहिए। साथ ही आपके पास लास्ट जो डॉक्यूमेंट बचता है मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर। और एक लास्ट डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बैंक खाता, जिसमें आपका पैसा आएगा, बैंक खाता या बैंक अकाउंट कह सकते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट की छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए। इस तरह इन सारे डॉक्यूमेंट के जरिए आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, तो ज़रूर फिल कर रहे हैं 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक ज़रूर फिल अप कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।